हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके डॉक्स। बिग बॉस 15 का आज का एपिसोड, आई थिंक वो तमाम लोग जो इंसानी फितरत के ऊपर यानी कि ह्यूमन बिहेवियर या फिर साइकोलॉजिकल चीजों में ज्यादा रिसर्च करते हैं, उन लोगों के लिए आज का एपिसोड एक परफेक्ट एपिसोड था कि कैसे इंसानी फितरत अपना जबरदस्त तेवर और रंग दिखा रही थी। करण कुंद्रा पिछले वीक तक काफी फेयर अनफेयर का ढिंढोरा पीट रहे थे, पीपड़ी बजा रहे थे और डंबोलीना भयंकर रूप से अनफेयर जा रही थी, लेकिन अब कैसे एकदम पासा पलट चुका है, इधर से उधर रोल रिवर्स हो चुके हैं। करण कुंद्रा खुद अनफेयर तरीके से टास्क को रद्द कराने की प्लानिंग कर रहा है और वो डंबोलीना जो कि पिछले वीक तक भयंकर रूप से अनफेयर जा रही थी, इस वीक जैसे ही टास्क रद्द हुई है वैसे ही इन मोहतरमा के आंसू निकल पड़े और कल के एपिसोड में ये कुत्ता कुत्ता बोलकर बिचुकले पर चढ़ पड़ेंगी। अगेन वही एक साइकोलॉजिकल चीज यहाँ पर आपको ध्यान में लानी चाहिए, जैसे वो पप्पी कांड किया था, पूरी टास्क चलती रही थी और पूरी टास्क के दौरान वो पप्पी पप्पी मांगता रहा, तब तक ये मोहतरमा चुप रही, लेकिन जैसे ही टास्क रद्द हुई ये फट पड़ी थी, मुद्दा बना दिया था। यहां पर भी बिचुकले बार बार इनकी गाल टच कर रहा है, गुफा में बैठकर इमरान हाशमी वाली सीन रिपीट करने की बात कर रहा है और अगर शादीशुदा नहीं होता तो तेरे से शादी कर लेता, तेरी प्रतीक की शादी, मतलब आप देखें कि भर भर के बिचुकले वही ठरक पंथी दिखा रहा था। तब तक इन मोहतरमा ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, हाँ प्यार मोहब्बत से जरूर बात की कि भैया मैं अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ, ऐसा वैसा ये वो। सो मिस डंबोलीना, अगर आप इतनी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो तो तब तो आपको बिचुकले के साइज से कम 50 फीट दूर रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वही चीज निकल कर आ जाती है कि कन्वीनियंस के आधार पर ये लोग मुद्दा बनाते हैं और बाहर बैठे इनके जो फैंस तो ठीक है, कुछ बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट भी, कैसे ये डंबोलीना के हिसाब से ऑड इवन वाला चित भी अपनी पटवी अपने वाले तेवर को, मतलब कंटेस्टेंट को तो खैर अंदर वो लोग अपना गेम खेल रहे हैं, उन्हें तो मुद्दा बनाना है नहीं बनाना है, लेकिन बाहर बैठे ये एक्सपर्ट्स तो सब कुछ देखते हैं कि कैसे डंबोलीना अपनी कन्वीनियंस के आधार पर कभी अपने गाल टच करने देती है, कभी उसके ऊपर चाय डालती है, पानी डालती है, कभी वो इमरान हाशमी वाला सीन रिपीट करने की बात करता तब तक ये चुप रहती है, फिर प्रतीक आपके इन्हें थोड़ा बहुत बोलता है, देखो आप अनकंफर्टेबल तो नहीं हो ना, ऐसा वैसा अगर होता बोल दो प्लीज, मेरे को ऐसा बुरा लगा ये वो ये। तो कैसे बिग बॉस के अंदर एक लड़की खुद अपनी सुविधा के हिसाब से कभी टच करवा देती है अपने गाल को, कभी अपने गाल पर हाथ लगवा देती है, वो बंदा जो उससे पप्पी मांग रहा था उसके वो कपड़े भी धोने जाती है, फिर बाद में मुद्दा भी बना देती है, और अब चूंकि टास्क रद्द हो चुकी है तो वही इंसान जिसके वो कपड़े धो रही थी अब उसे वो कुत्ता कुत्ता बोलेंगी और घर में फिर से एक विवाद होगा। तो यहाँ पर डंबोलीना तो खैर अपना दुगलापन दिखा ही रही है, साथ ही साथ बिग बॉस भी अपना पोपट लाल वाला अवतार दिखा रहा है। पोपट लाल वही तारक मेहता वाला जो हर चीज में कैंसल 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 करता रहता है, और आज बिग बॉस ने वही पोपट लाल वाला अवतार दिखा दिया। पोपट लाल के साथ साथ बिग बॉस ने आज कहने के सिंघम वाले तेवर भी दिखाए कि अथा माझी सटक लिया, बहुत हो गया तुम लोगों का, तुम लोग इतनी टास्क रद्द करवा रहे हो, अब कल से एक ऐसी टास्क शुरू होगी जिसे तुम भूल कर भी रद्द नहीं करा पाओगे, क्योंकि कल से होगा एलिमिनेशन वाला टास्क। ओ भाई, अगर बिग बॉस टास्क के थ्रू एलिमिनेट करेगा तो जनता क्या करे, और जनता के साथ वो लोग क्या करें जो वोटिंग ट्रेंड, ये ऊपर वो नीचे, इसको करो वोट, इसको करो वोट, इसको बचाओ उसको बचाओ, वो लोग क्या करेंगे भाई, उनकी तो दुकानें बंद हो जाएंगी। अगर बिग बॉस अपनी मर्जी से एलिमिनेशन करेगा तो फिर वो लोग वोटिंग ट्रेंड के वीडियो कैसे बना पाएंगे भाई। अगर जहां तक मैं जानता हूं ऐसे अबरी छबरी और ऐसे वोटिंग ट्रेंड वाले लोग हैं, वो अगर वोटिंग नहीं होगी तब भी वोटिंग ट्रेंड वाले वीडियो डाल ही देंगे, और निप्पा निप्पी जनरेशन के जो लोग हैं वो उन वीडियो पर लाखों की तादाद में व्यूज देंगे, जबकि एलिमिनेशन वगैरह सब मेकर्स की मर्जी से होता है, वोटिंग की कोई अहमियत होती है नहीं। ये बात मैं इस सीजन पिछले सीजन उसके पहले से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूं, लेकिन लोगों को बात समझ में नहीं आती है तो नहीं आती। और बिग बॉस की इस फर्जी वोटिंग को सच मानने वाले निप्पी निप्पा कल को फिर देश की जीडीपी के ऊपर और बड़ी बड़ी बातों के ऊपर ज्ञान फैलने लगते हैं। तो ऐसे ही लोगों के लिए जय दुधारे करके कंटेस्टेंट बिग बॉस मराठी का, उसने कहा था ग्रैंड फिनाले के टाइम पर कि बिग बॉस के जो वोट करने वाले जो लोग होते हैं वो निब्बी निब्बा होते हैं, और उसके इस बात को मैं पूरी तरह से सपोर्ट करता हूं। मुझे तो लगता है कि शायद जय दुधाने ने भी शायद बिग बॉस मराठी करने से पहले मेरे कुछ वीडियो देख लिए होंगे, क्योंकि मैं बार बार ये चीज निब्बा निब्बी वाली बात है और बिग बॉस की वोटिंग फर्जी होता है इस बारे में काफी बातें लाउड एंड क्लियर तरीके से कर चुका हूं। खैर यहाँ पर इस एपिसोड की हम चर्चा करें तो इस एपिसोड में ये टास्क चल रही थी वो नॉमिनेशन वाली, जहां पर वो तेजा जो है तेजा की खास सखी डंबोलीना के अगेंस्ट ही तेजा खेल रही थी। हालांकि टास्क से रश्मि, वो तो वैसे ही बाढ़ की करण और उमर भी बाहर हो गए थे, लेकिन हमने देखा कि टास्क में तेजा की मदद ये लोग कर रहे थे,
वो जो बनाया था स्नोमैन, उसकी नाक वगैरह लगा रहे थे, टोपी लगा रहे थे, विग वगैरह लगा रहे थे, और तेजा ने अपने अंडर पैंट में छुपा रखा था कुछ चीजें, वो निकाल करके वो लगा रही थी। तो इस राउंड में तेजा जीत गई। हालांकि ये चार की टीम तीन की वैसे भी करवा चुकी थी तेजा, तो जिस वजह से ये लोग सब नॉमिनेशन में आ जाते हैं। और निशांत, प्रतीक, शमिता और डेबो जो है वो टिकट टू फिनाले की दावेदारी में आ चुके होते हैं। उसके बाद से इस टास्क के आफ्टर इफेक्ट्स ही हमें देखने को मिले, जहां पर उमर जो है वो कहीं ना कहीं अपनी फ्रस्ट्रेशन तो दिखा ही रहा था, बट उसकी फ्रस्ट्रेशन मैं जस्टिफाई मानता हूँ, सही मानता हूँ, क्योंकि तेजा अगर चाहती तो रश्मि की जगह वो डेबोलिना भी या फिर बिचुकले का नाम लेती, तो ये एटलीस्ट ये चार लोग रहते, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले वीक और उसके पहले वीक भी ये करण के साथ ये उमर जो है ये नॉमिनेशन में आ ही चुका था। अब इनफ इज इनफ हो चुका है, बार बार हम ही नॉमिनेशन में क्यों आए भाई? तो नॉमिनेशन में आए अपनी गलती से नहीं आए हैं, आपकी टीम ऑलरेडी 4-3 करा चुकी थी ये तेजा, और तेजा जो है वो डेबोलिना की फर्स्ट प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं है। ये बात यहाँ पर डेबोलिना खुद कह देती है उमर के सामने और राखी के सामने कि अगर मेरे सामने राखी और प्रतीक आते हैं तो मेरी पहली प्रायोरिटी राखी है, फिर प्रतीक है, फिर तेजा है। तो तेजा किस उद्देश्य से और कौन से ख्याली पुलाव में ये मान करके चल रही है कि वो डेबोलिना की फर्स्ट प्रायोरिटी है, जबकि डेबोलिना तो क्लियरली बोल चुकी है कि तेजा उसकी फर्स्ट नहीं, थर्ड नंबर की प्रायोरिटी है। तो फिर तेजा के गुर्दे क्यों छिल जाते हैं अगर उमर अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में तेजा को लेकर के नहीं चलता है? तो आई थिंक ये वाली जो बात है ना, ये वीकेंड के बारे में दिखाई जानी चाहिए। सलमान खान ने रश्मि के लिए तो एक कॉलर ऑफ द वीक वाली क्लिप दिखा दी थी, लेकिन बड़ी कन्वीनियंटली उन्होंने डेबोलिना की और राखी की कोई भी क्लिप नहीं दिखाई। अब इससे क्या हो रहा है ना, एक नैरेटिव बन रहा है जहां पर सोशल मीडिया पे काफी लोग कह रहे हैं कि रश्मि जो है वो इनकी दोस्ती को तोड़ रही है, टाइम एंड अगेन रश्मि जो है वो भड़का रही है। ये भड़काने वाला जो टर्म है, ये वर्ड है, ये करण कुंद्रा ने भी इस्तेमाल करा कि रश्मि जो है वो उमर को भड़का रही है करण कुंद्रा की तरह। और सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग मुझे टैग भी करते हैं, वो अक्सर मुझसे कहते भी कि भाई डीएसके तुमको रश्मि गलत क्यों नहीं लग रही है? रश्मि को मैं गलत बोलता अगर इस एपिसोड में राखी ने वो बात नहीं बोली होती जो कि रश्मि बोल रही है। राखी ने भी तो यहाँ पर यही चीज बोली कि करण बड़ी सूमड़ी में खेलता है, उमर ने करण के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन करण ने क्या किया? करण चाहता तो अपनी आइटम को गर्लफ्रेंड को पटा नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था कि तू बिचुकले का नाम ले ले, लेकिन करण ने ऐसा कुछ नहीं करा। और यही नहीं, लाइव फीड में निशांत और शमिता की भी एक कॉन्वर्सेशन हुई है, एक बातचीत हुई है, जहां पर निशांत भी वही चीज बोल रहा है जो कि रश्मि बोलती है। तो क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि राखी और निशांत ये भी कहीं ना कहीं करण और उमर को भड़का रहे हैं? क्योंकि शमिता को उमर ये बोलता है कि उमर तो दोस्ती निभा रहा है, लेकिन करण ने क्या किया है आज तक उमर के लिए? उमर की वजह से करण वीआईपी जोन में आया था, तेजा भी वीआईपी जोन में आई थी, लेकिन इन दोनों ने कभी उमर को अपनी प्रायोरिटी में रखा नहीं। तो वही चीज अगर रश्मि भी बोल रही है तो फिर इसको मैं भड़काना तो नहीं बोल सकता, क्योंकि एक ही चीज को तीन अलग अलग लोग अलग अलग टाइम पर बोल रहे हैं। तो क्या हम तीनों को भड़काने की संज्ञा दे सकते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं दे सकते। और इसको भड़काना नहीं, इसे सच बोलना बताया जाएगा, और ये कोई रॉकेट साइंस है नहीं। करण और तेजा हमेशा एक दूसरे को प्रायोरिटी में लेकर के चलते हैं, वो लोग सिर्फ उमर के पावर को इस्तेमाल करते हैं। और उमर जिस तरह से टास्क में अपना जुझारूपन दिखाता है, आज तो प्रतीक और शमिता तो दे दाता के नाम पर, तो उसको अल्लाह रखे, उमर प्लीज मेरे लिए खेल ले। वो शमिता जो अक्सर कहती है कि उमर एग्रेसिव है, बहुत एग्रेशन दिखाता है, खुद वो कह रहे थे कि उमर मैं तुम्हें प्रतीक और निशांत से ऊपर अपनी प्रायोरिटी में रखूंगी अगर तुम मेरे लिए खेल सकते हो तो। वही राखी भी इसको कन्विंस करती उमर को कि तू प्रतीक के लिए खेल ले, और प्रतीक बोलते कि देखो मेरे को वादा नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं होता, मैं तो फेर हूँ, जाए बोलूंगा, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर साबित हो रहा है कि उमर की जरूरत ना सिर्फ करण तेजा बल्कि उमर की जरूरत उसके दुश्मनों को भी है, जैसे कि शमिता और राखी जो कि बार बार उमर को पानी पी के कोसती है, वो भी कह रही थी कि प्रतीक के लिए कोई नहीं खेला और उमर को उसके लिए खेलना चाहिए, तो उमर उसके लिए खेला भी। तो यहाँ पर एक चीज निकल कर आ रही है कि जो भड़काने भड़काने का ये जो नैरेटिव चला रहे हैं ये टोटली फॉल्स नैरेटिव है, क्योंकि ये भड़काने वाली बातें अगर आपको सही लगती हैं तो फिर निशांत जो कि करण का एकदम खास दोस्त है वो भी यही बात कर रहा है, राखी सावंत भी यही बात कर रही है कि करण जो है वो इस्तेमाल कर रहा है उमर को, करण ने उमर के लिए कभी कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर एक चीज तो अच्छे से साफ हो गई है कि घर में एक नहीं बल्कि 2-3 लोगों को लग रहा है कि उमर का इस्तेमाल कर रहा है करण कुंद्रा, और करण कुंद्रा का कंट्रोल अपनी खुद की गर्लफ्रेंड पर नहीं है। यही नहीं, करण कुंद्रा ऐसे तो बड़ी मेच्योरिटी की बातें करता है, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड को ही कन्विंस नहीं कर पा रहा है, और जब उमर उससे बात करता भी है तो वो बोल देता है कि वो अपना गेम खेल रही है, वो अपने हिसाब से, वो मेरे से कुछ नहीं सुनती, वो मेरी, तो तू क्यों उसकी सुन लेता है? जब तुम कंबल में दंगल जब करते हो तब तो तुम बड़ी बड़ी प्यार से बातें करते हो, और इस एपिसोड में तुमने बोला भी कि मुझे ये खैरात नहीं चाहिए। एंड यही नहीं, जब करण बोलता है कि हम दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ हुआ करते थे अब नहीं है, तो तेजा की अलग ही लॉजिक कि स्ट्रेंथ ये नहीं होती कि आप एक दूसरे के लिए खेलो, स्ट्रेंथ ये होती है कि हेल्प ईच अदर टू ग्रो।
तो अगर ये जो तुम्हारा लॉजिक है तेजा, तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से तुमने कब करण कुंद्रा की हेल्प करी ग्रो करने के लिए? तुमने तो कोई हेल्प नहीं करी है, इनफैक्ट तुमने हर तरीके से हेल्प ली है खुद को ग्रो करवाने के लिए, चाहे वो विशाल के कंधे पर बैठकर या फिर अब करण कुंद्रा के कंधे पर बैठकर और उमर के कंधे पर बैठकर। तो तुम वीआईपी जोन में आई ही थी और अब तुम राखी और पावर में जो है डंबोलीना इनके कंधे पर बैठकर आगे बढ़ना चाहती हो। तो आई थिंक तेजा शुड बी द लास्ट पर्सन जो ये ज्ञान दे कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तेजा सिर्फ मदद लेना जानती है, मदद करना नहीं जानती है। और यही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वीकेंड पर ये चीज उठनी चाहिए कि तेजा तुम तो डेवोलिना की प्रायोरिटी नंबर वन हो ही नहीं, तो तुम कौन से ख्याली पुलाव में लेकर के ये बात चल रही हो कि डेवोलिना तुमको कुछ देगी? वो तो राखी और प्रतीक के बाद अगर कुछ जूठन बचेगी तो तुमको पकड़ाएगी। और दोस्तों तुम जूठन को जैसे कुत्ता एक पड़ी हुई किसी की खाई हुई हड्डी को चाट कर खुश हो जाता है, और बिग बॉस में अगर कोई किसी की फेंकी हुई जूठन को चाटने का काम कर रहा है तो वो है ये तेजा, जो कि खुद को बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंट समझ रही जबकि वो निहायत ही गलत जा रही है। बेहद ही नेगेटिव और एकदम वैम्पिश वाला वैम्पायर का टैग तो खैर इसको मैं दे ही चुका हूं, तो यहां पर वो भर भर के दिखा रही है। जिस तरीके से ये तेजा बार बार करण कुंद्रा की इमोशंस के साथ खेल रही है, वो बार बार ये भी कह रही कि उमर की थोड़ी सटक गई है, क्या वो फ्रस्ट्रेट है, वो ऐसा है, वो वैसा है, रश्मि कभी मेरे से बात नहीं करना चाहती, वो निशान से तो बात करना चाहती है, तो रश्मि ने ऐसे तुम्हारे कौन से गुर्दे छीन दिए। एक्चुअली में तेजा को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी बात से थी कि रश्मि ने करण को क्यों सेव कर लिया, जबकि वो ये भूल चुकी है कि डंबोलीना ने तो किसी को सेव नहीं किया था, रश्मि ने एटलीस्ट तुम्हारी टीम के किसी बंदे को सेव तो किया था। तो यहीं से तेजा के गुर्दे छिले पड़े कि करण को क्यों सेव करा, हमको क्यों नहीं सेव करा। तो यहाँ पर ये जो लोग नैरेटिव चला रहे हैं कि रश्मि आकर दरार डाल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तेजा का खुद का लालच है। एंड घर वालों को भी दिख रहा है कि करण कुंद्रा कैसे लड़की के चक्कर में अपना खेल बर्बाद कर चुका है। यहाँ पर तेजा अपना वही जहरीला तेवर दिखाते रही, वहां उमर निशान से भी बात करता कि भाई तू तो डेवोलिना के सख्त खिलाफ था, अभी तू डेवोलिना की टीम में जाकर कैसे खेल गया। तो निशांत यहाँ अपने लॉजिक दे रहा था, निशांत से अगर उमर बात कर रहा तो फिर प्रतीक और तेजा जबरदस्ती कूद पड़ते हैं, और तेजा जिस तरह से एक्टिंग कर रही थी और उमर ने जैसे बोला कि भाई तू हिंदी और मराठी बोले, अंग्रेजी में बोलती तो बहुत वॉर्मी लगती है, तो तेजा के गुर्दे भाई वो बहुत ज्यादा फेक एक्सेंट मारती है, और इस बात के लिए वो मॉर्निंग में बोलती भी कि ऐसा कैसे बोल दिया उमर ने। मतलब ये तेजा जो कि उमर को बोल सकती थप्पड़ मारूंगी अपना स्लैप यू, तब करण कुंद्रा के मुंह में दही जम जाता है। तो करण कुंद्रा भी लड़के के चक्कर में अपना खेल खल्लास किए बैठा है। वहीं डेवोलिना और अभिजीत भी चुपले बर्तन वगैरह की ड्यूटी, वो प्रतीक उसको गोद में उठा करके ले जाना, डेबोलिना और ये अभिजीत बिचुकले की बात की आज मौसम बहुत ठंडी वाला है, चल इमरान हाशमी वाला काम करते हैं, ये सब बकवास पंती चलती रहती है। वहीं रश्मि और उमर की भी बातचीत वगैरह चलती रहती है, जहां पर जिस चीज को लोग भड़काने की संज्ञा दे रहे हैं, इसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्ट में ऑलरेडी बता दिया कि यही चीज राखी और निशांत भी कर रहे हैं। खैर यहाँ पर बिग बॉस ये बीबी गिफ्ट शॉप वाली टास्क अनाउंस कर देता है, जहां पर ये कंटेंडर्स जो हैं प्रतीक, निशांत, शमिता और डंबोलीना, इनके लिए जो दूसरे लोग हैं जो कि नॉमिनेटेड हैं वो सब खेलेंगे। लेकिन हमने देखा अगेन यहाँ पर तेजा का, ये तेजा खुद को बहुत इंटेलिजेंट बोलती है, तेजा तेजा मैं हूँ मार्केटर है। यहाँ पर सबसे पहले तेजा ही एक प्लान बनाती है कि चलो हम किसी का भी आइटम जो है वो सिलेक्ट नहीं करेंगे, सब रिजेक्ट कर देंगे। एंड अंदर का जो कमरा रहता है बेडरूम, वहां पर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, वहां बिचुक ने बोल देता कि सब रिजेक्ट करो, सब रिजेक्ट करो, किसी का भी सिलेक्शन नहीं करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि करण कुंद्रा भी वहां पर थे, वो करण कुंद्रा जो पिछली वीक राखी के संचालन के ऊपर बोल रहे थे कि डंबोलीना की कठपुतली तू बनी हुई है, तू टास्क को रद्द कराना चाहती, ये वो फेयर फेयर की बड़ी पिपड़ी बजा रहा था, खुद यहाँ पर होगी तो अनफिट चले गए। तो कैसे यहाँ पर एकदम रोल रिवर्स हो गए हैं, खुद करण कुंद्रा यहाँ पर इस बार टास्क को रद्द करवाने के इरादे से टास्क को खेलने की एक्टिंग वगैरह ये कर रहे थे। तो पहला ही राउंड होता है जहां पर डंबोलीना जाती है, और डंबोलीना सोच रही थी कि यार पिछुकले को तो मैंने अपने हनी ट्रैप वाले मोह पास में फंसा रखा है, वो तो मुझे सिलेक्ट कर ही लेगा। लेकिन बिचुकले अंदर से एक प्लान लेकर के आया था, उसे एग्जीक्यूट कर रहा था कि वो किसी का भी बॉक्स जो है वो सिलेक्ट नहीं करेगा। यहाँ प्रतीक आकर के बोलता है कि ऐसा तो नहीं लोग रद्द कराना चाहते हो, ये प्रतीक जो पिछले भी खुद टास्क रद्द कराना चाहता था, ये डंबोलीना जो पिछले भी खुद अनफेयर गई थी, कैसे यहाँ पर अब ये फूट फूट के रो रही है, बिलक बिलक के रो रही है। एंड इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे सबसे अच्छा स्टेटमेंट लगा शमिता शेट्टी का, वो काफी मेच्योरिटी से भरी बात उन्होंने कही कि पिछले वीक करण और इन लोगों के साथ अनफेयर हुआ है, तो हम ये कैसे मान करके चल रहे कि ये लोग अनफेयर नहीं करेंगे, उनका एक हक बनता है। बिल्कुल उनका हक बनता है, बट एट द सेम टाइम अगर वो जिन चीजों के खिलाफ थे तो वही चीजें वो लोग कैसे कर रहे हैं। और यहाँ पर डंबोलीना या फिर प्रतीक जो खुद पिछले वीक काफी अनफेयर गए थे, वो सडनली यहाँ फेयर होने की पीपड़ी बजा रहे हैं। तो ये जो एक इंसानी फितरत है या फिर एक ह्यूमन बिहेवियर है,
जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला कि जितने एक्सपर्ट्स हैं वो आज का बिग बॉस का जो एपिसोड उठाकर काफी ज्यादा स्टडी का मटेरियल उनको मिल जाएगा कि कैसे इंसान अपनी सुविधा के हिसाब से अपना स्टैंड बदल लेता है या फिर उस स्टैंड की कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी गाथाएं लिख देता है, बट जब मौका पड़ता है तो थूक थूक कर चाट भी लेते हैं। जिससे करण खुद अनफिट चला गया, डंबोलीना खुद रोने लग गई, पिछले वीक तक डंबोलीना काफी खुश थी, करण रो रहा था, तो कैसे बेसिकली इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे जो रोल रिवर्स हुए हैं वो अजनबी पिक्चर का वाला सीन मुझे कहीं ना कहीं याद आ गया। खैर इन्हीं तमाम बातों के दौरान हमने देखा कि बिग बॉस जो है वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला पोपटलाल बनकर टास्क रद्द करो, कैंसल कैंसल कैंसल, और कल से तुम्हारे अगर बम में दम हो तो टास्क कैंसल करके यानी रद्द करके दिखाओ। और बिग बॉस ने बड़ी बड़ी बातें कही कि आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर कैमरा नहीं है, माइक नहीं है, हमको सब दिखाई देता है। बिग बॉस गजब वाले दोगले यार तुम, जब राखी और डबोली ना ये बातें कर रहे थे और जब प्रतीक ने कहा था पिछले वीक टास्क रद्द कराओ, तब तो तुम्हारी भी माँ की आंख में मोतियाबिंद चला गया हुआ और कान के ठट्टे काम करना बंद कर चुके होंगे। तो यहाँ बिग बॉस भी अपनी सुविधा के हिसाब से चीजें रद्द करना, कैंसिल करना, इंटरफेयर करना, टास्क को रोकना, घर वालों को पनिशमेंट देना, तो बिग बॉस भी कहीं ना कहीं एकदम कन्वीनियंस के आधार पर अपनी बातें करने के लिए आता है। ये तो खुद बिग बॉस है जो खुद अनफेयर संचालन को, अनफेयर चीजों को हरी झंडी देता है, और जब चीजें बद से बदतर हो जाती है तब सडनली ओ माय गॉड ये क्या होगा, चलो यार ये चीज तो होनी नहीं थी, ऐसे कैसे हो गया, आप लोगों को समझ में नहीं आता। ये भाई जब ये चीजें गलत जाती हैं आपको उसी समय लगाम लगानी चाहिए, उसी समय आपको एक कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन आप लोग तो हमेशा का हर सीजन की ये बात है हमेशा एकदम घटियापंथी को प्रमोट करते हो, एनकरेज करते हो, एकदम टीआरपी के लिए इन चीजों को इस्तेमाल करते हो, फिर सडनली अच्छे बनने की एक्टिंग करने लगते हो कि हमारे शो का ये मकसद नहीं है, जनता के सामने आप लोग ढोंग कर रहे हो। ढोंग तो खुद बिग बॉस करता है, खुद ये टिकट टू फिनाले का मजाक बना रखा है और बिग बॉस ने बोला कि अब तो ऐसा लग रहा है कि राखी ही ट्रॉफी जीत सकती है। चलो राखी फाइनलिस्ट बन गई, लेकिन राखी के हाथ में जो इतनी सारी पावर्स आपने दे दी, जिस पावर का वो हमेशा मिसयूज करती रही, तब तो आपने कभी नहीं बोला कि राखी तुमको पावर मिल गई मतलब तुम तो बौखला गई हो, बंदर के हाथ में उसरा आपने दे दिया। लेकिन राखी को रोकने के बजाय, टोकने के बजाय, आप तो राखी एंटरटेनर है, राखी ये है, और सलमान खान खुद वीकेंड पर राखी जो भी करती है करती तो है, राखी अनफेयर थी या नहीं थी उस बारे में हमको बात करनी ही नहीं है, करोगे भी कैसे, तुम ही लोगों ने तो उसको अनफेयर होने के लिए कान में कुछ ईयर पीस वगैरह दिया होगा, और ये तो आप अच्छे से समझ चुके हैं कि बिग बॉस के घर के अंदर ईयर पीस कैसे भेजे जाते हैं और कैसे जो कंटेस्टेंट है ऊपर से आ रही इंस्ट्रक्शंस के आधार पर एक्टिंग करने लगते हैं। तो राखी को ईयरपीस डेफिनेटली दिए गए हैं, डंबोलीना को भी कुछ ना कुछ दिया गया है, और इसी वजह से बिग बॉस ने कभी इनके घटिया संचालन के ऊपर एक शब्द नहीं बोला। लेकिन आज बिग बॉस ने बोल दिया आप लोग ढोंग करते हो, आप लोगों के पास ढोंग का समय होगा, जनता के पास ढोंग का समय नहीं है, ये वो भाई जनता को तो आप लोग हमेशा इस्तेमाल करते हो, खुद आप लोग निकाल देते हो, खुद अपनी मर्जी से बिग बॉस की घर को धर्मशाला बना देते, फिर बोलते ये तो जनता का शो है। लानत है बिग बॉस और बिग बॉस की टीम के ऊपर जो जनता को हमेशा टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेते रहते हैं। खैर आप कमेंट करके बताएं आपके ओपिनियन जिस तरह से आज का एपिसोड गया है, कि आपको नहीं लग रहा है कि करण कुंद्रा जो पिछले वीक काफी फेयर होने की बात कर रहा था खुद यहाँ पर अनफेयर चीजों को कहीं ना कहीं उसने सपोर्ट करा है, और जिस तरह से डंबोलीना खुद ग्रीन सिग्नल देती है, बिचुकले इमरान हाशमी बन रहा है, ये सारी बातें कर रहा है, तब तक मैडम को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब टास्क रद्द हो गई तो मैडम के आंसू बहने लग गए, जबकि खुद ये मैडम पिछले वीक काफी ज्यादा अनफेयर गई थी। वहीं जिस तरह से एक नैरेटिव बन रहा है कि रश्मि जो है वो उमर को भड़का रही है, क्या आपको लग रहा है कि राखी और निशांत भी उमर को भड़का रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी वही बात कर रहे हैं जो कि रश्मि करे कि यहाँ अपना कोई नहीं है, करण ने कभी उमर के लिए नहीं खेला है, वो बस एक दिखावा करता जरूर है कि वो उमर के साथ है, लेकिन वो तेजा गलत जा रही है, कभी तेजा को टोक नहीं पाता, तेजा के खिलाफ वो खुद का स्टैंड ही नहीं ले पाता। तो करण कुंद्रा का जो खेल वो राखी और निशांत और रश्मि ये तीनों ही पकड़ चुके हैं, तो क्या हम तीनों को बोल दें कि ये तीनों यहाँ बिग बॉस ने भड़काने के लिए इन लोगों को भेजा गया है, कमेंट करके अवश्य बताइए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और करना सब्सक्राइब डीएसके डॉक्स को, यदि आपने नहीं किया है तो आपने समय निकाला और ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।